विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर बहुआयामी जिला पशु चिकित्सालय सोलन सहित सोलन जिला के सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें कुत्ते को निःशुल्क एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। वहीं पशु प्रेमियों को पशुओं की उचित देखभाल करने के बारे में जागरूक किया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पशु पालकों सहित पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को नवीनतम संबंधित जानकारी देना व पशुओं की किस तरह से उचित सेवा की जानी चाहिए इस बारे में जागरूक करना है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया कि पशुपालन दिवस को पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें कुत्ते को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए व पशु प्रेमियों सहित पशुपालन विभाग से जुड़े कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया गया। वहीं कुत्ते को वैक्सीनेशन लगाने आए लोगों ने भी पशु चिकित्सा दिवस पर पशुपालन के इस कार्य की सराहना की व कहा कि आज उन्होंने अपने कुत्ते का निःशुल्क इलाज करवाया है। आज जो है पशु कल्याण दिवस के उपलक्ष में हमने जिला में जितने भी हमारे पशु चिकित्सा संस्थान हैं उनमें इस दिवस का आयोजन किया गया, और इसमें लोकल लेवल पे जो पशु चिकित्सक थे और हमारा जो पैरावेट स्टाफ था उनके साथ विचार विमर्श किया, उनको जागरूक किया गया, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको उसमें प्रेरित किया गया और उनको इनाम भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जो लोकल एनजीओज थे उनको भी इसमें कोऑर्डिनेट किया गया, रोप इन किया गया, उन्हें भी बुलाया गया था, और इसके नई तकनीक के बारे में और पशुओं को किस प्रकार से हम रखें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें ताकि उन्हें कोई पीड़ा ना हो, तो इसके बारे में आज जानकारी दी गई। और इसके साथ साथ जो पेट्स हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनको भी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है आज निःशुल्क लगाई गई पूरे ज़िले में। जिन्हें और क्या बोलते हैं, मैं मतलब सोलन का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे सरकारी मतलब ये सरकारी हॉस्पिटल में आया, मतलब अपने डॉगी को लेके आया, तो मैं यहाँ पे मतलब उसका ऑपरेशन करवाना था उसके लिए लेके आया। तो आज क्या बोलते हैं वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को बताया कि वो भी लगवानी ज़रूरी होती है, तो वो लगवा रहा हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे मतलब ऑपरेशन कराया अपने मतलब डॉग का, तो इन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि मतलब कैसे मतलब आपने क्या खिलाना है और मतलब कैसे इसका ध्यान रखना है। यहाँ का हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।